देखिए, बाबा दीप कुरली महाराज के दर पे आने के बाद मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं स्वर्ग में एंट्री कर दी है। तो यही स्वर्ग है इनके चरणों में, ये मैं सुना करता था। आज मुझे प्रैक्टिकल होने लगा, माइंड को इतना रिलैक्स और इतना मन को शांति। मैंने बहुत लोगों के सुना था लोगों के मुँह से कि नीव कुरली महाराज के आप दर्शन ज़रूर करना, पर मैंने आज प्रैक्टिकल देखा, बड़ा सुकून है। और मैंने ये बहुत नज़दीक से देखा कि ये स्वर्ग है, और स्वर्ग जैसी फीलिंग है। इस दुनिया में कहीं नहीं जाना ना, तो स्वर्ग देखना है तो बाबा नीव कुरली महाराज के आप चरणों में दर पे आइए, तो स्वर्ग यही है। और मैं उत्तराखंड के इस स्तर पे, मैंने मेरी दूसरी पिक्चर थी मौसम इकरार के, दो पल प्यार के, मैंने शूटिंग के दौरान मैंने बहुत कोशिश की कि मैं दर्शन करूं, पर वो समय मुझे लगता है कि बाबा ने मुझे बुलाया नहीं था। और आज मुझे बाबा जी ने यहाँ बुलाया है, नीव कुरली महाराज ने, और मुझे आने वाली जो मेरी फिल्में हैं, बहुत जल्द मैं उत्तराखंड के नैनीताल में शूट कर रहा हूँ, बहुत जल्दी बाबा जी के आशीर्वाद से। तो बस मैं बहुत खुश हूँ, और बाबा जी के चरणों में यही मैंने दुआएं मांगी हैं कि जो भी मेरी यहाँ फिल्म शुरू हो रही है वो लोगों को पसंद आए और लोगों के दिल में राज करे, और एक बहुत अच्छा मैसेज जाए पिक्चर के थ्रू। देखिए, मेरी फिल्म थी काश तुम होते, पहली पिक्चर। दूसरी पिक्चर थी मेरी मौसम इकरार के, दो पल प्यार के। और तीसरी पिक्चर बहुत जो अभी बॉक्स ऑफिस में बहुत अच्छा, मतलब लोगों को पसंद आई है, वो है प्यार में थोड़ा ट्विस्ट। ये एक बहुत सोशल मैसेज पिक्चर थी, लोगों को बहुत